फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत डिलीशियस सा केक बनाने जा रहे थे। उसके लिए हमें दो बॉल चाहिए। इसमें हम डालेंगे अपने ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स और इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। और हमें इनके लिए चाहिए एग्स, 2 eggs, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। और ये है वनीला एसेंस, ये है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के लिए, और ये है क्रीम, मैदा, दूध और चीनी। इनसे हम एक बहुत मज़ेदार सा केक बनाने जा रहे हैं। ये हमारा मेजरिंग कप है। अब हम डालेंगे 1 cup मैदा और अब हम डालेंगे 1.5 मैदा। हमने 1.5 मैदा अंदर डाला है और अब हम इसको सिफ्ट करेंगे। अब हम डालेंगे 3/4 कोको पाउडर। सबसे पहले हमने डाला 1.5 cup मैदा, अब हम डालेंगे 3/4 cup कोको पाउडर और अब इसे भी सिफ्ट करेंगे। अब हम डालेंगे 1 teaspoon बेकिंग सोडा। अब हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon बेकिंग पाउडर और अब हम इसे सिफ्ट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 cup शुगर। अगर आप और चीनी पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चीनी ले लें। अब इसमें ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 teaspoon सॉल्ट। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ड्राई इंग्रेडिएंट्स डल चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स, तो हम इसे पहले मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करते हैं। अब हमने इसके अंदर 1/3 cup ऑयल डाला है। अब हम इसमें एग्स डालेंगे, 2 eggs, अब हम इसमें मिक्स करते हैं इसको। मिक्स वेल, इसमें डालेंगे 3/4 cup मिल्क। ये मिल्क हमने हॉट मिल्क है, ये हॉट मिल्क डाला है हमने। अब हम इसे मिक्स करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 cup हॉट वाटर और अब मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 teaspoon वनीला एसेंस डालेंगे। अब हम अपने ड्राई मिक्सर को थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड मिक्सचर में डालेंगे और थोड़ी देर बाद इसे मिक्स भी करते जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारी मिक्सिंग कंप्लीट हो गई है। हमने पैन को पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया और अब हम इसमें हमारा बनाया हुआ मिक्सचर डालेंगे। थोड़ा सा हम ऐसे टैप करेंगे, सारे बबल्स निकल जाएं। अब हम इसे प्री हीटेड प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब हम फ्रॉस्टिंग के लिए फ्रॉस्टिंग चॉकलेट काट रहे हैं। अब हमने फ्रॉस्टिंग के लिए चॉकलेट काट लिया, अब हम इसे पिघलाएंगे। अब हम इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हैं। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे, 2 tablespoon क्रीम डालेंगे। अब हम इसमें इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ऐसा हमारा केक बना। हमने डोनट टाइप केक बनाया। आप किसी भी शेप का केक बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको केक? ये केक बहुत ही डिलीशियस है, ये किसी भी बेकरी में आपको मिलेगा।